चाइना के टाइम के हिसाब से, तो ये ना चाइना का टाइम पकड़ रहा है। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द पू। तो सीन ये था कि हम निकल गए थे कल्पा से, मतलब कल्पा में ही रुके हुए थे हम। तो कल्पा में 2 दिन रुके, कल बहुत अच्छे से आराम किया और शाम के टाइम हम बहुत सारी चीज़ें घूमे। उसके बाद हम निकल गए हैं कल्पा से। कल्पा से रुकने के बाद हम सीधा यहाँ पे आए हैं पू में, क्योंकि हमें कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिला था। और पिछले साल से मेरे को याद है कि ये मतलब रिकांगपियो के रूट पे जो सामने पड़ता है, तो पू 20-25 किलोमीटर दूर है, तो उसके 30-1 के आसपास है। तो पू एक जगह पड़ती है, ये पू में है, ये बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। पिछले साल भी हम यहीं पर रुके थे, तो ये इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है, यहाँ से आपको बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। तो ये पूरा ये देखो, तो ये रेस्टोरेंट है, ये बिल्कुल मेन रोड पर है, और यहाँ से आपको ये रूफ टॉप कैफ़े मिलता है, और यहाँ से आपको ये सारा पूरा मस्त व्यू मिलता है पूरा। तो ये वाला जो रेस्टोरेंट है मेरे को पहले से ही पसंद था, तो हमने सोचा कि बीच में कहीं रुकने के बजाय थोड़ा किलोमीटर ज़्यादा चल लेते हैं, तो यहाँ पे रुकेंगे। तो इस रेस्टोरेंट को देखो भाई आप, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये बिल्कुल एकदम नीचे खाई में, यहाँ पे वो नदी पहाड़, वाह। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay. अभी हम जहाँ पे हैं ये है संगम, बोलते हैं इसको खाप संगम। तो ये है आपका सतलुज नदी और स्पिति रिवर। तो वो जो सामने से आ रही है उस साइड से, वहाँ से स्पिति आ रही है, और यहाँ से जो है ये सतलुज नदी आ रही है, और इनका जो संगम हो रहा है, जो आप सामने से नदी देख रहे हो ना, ये वाली, ये नदी है सतलुज रिवर। और जो इस साइड से आ रही है ये वाली जो नदी है, ये वाली नदी है स्पिति रिवर। और इस जगह पे दोनों का, वहाँ से वो आ रही है, इधर से ये वाली जा रही है, तो यहाँ पर इनका हो रहा है संगम, तो इसलिए इसको संगम बोलते हैं। जैसे वहाँ पर रुद्रप्रयाग में संगम था, एक यहाँ पर सतलुज और स्पिति रिवर का संगम होता है, और ये एक रिवर बन जाता है। तो ये है खाप। I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first day, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. भाई ऐसा है, पू के बाद हमने स्टॉप लिया नाको विलेज में। तो ये जो देख रहे हो पीछे, ये नाको विलेज है। यहाँ पे हमने लेक वेक पिछले साल देखा हुआ था, आपको भी दिखा हुआ था पिछले साल की वीडियो में, क्योंकि वो इतना खास नहीं है, इसलिए हम निकल रहे हैं। यहाँ से खाना वाना खा लिया है, हमने लंच किया है, यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधा टाबो के लिए। ग्यू विलेज के लिए निकल रहे हैं अभी हम, यहाँ से ग्यू विलेज जाएंगे, वो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ग्यू विलेज इन्होंने भी नहीं देखा। और मिलते हैं अब आपसे ग्यू विलेज में। उधर से निकाल ले, नेहरू वाला डर लग रहा है, जो नेहरू वाला रास्ता है। भाई आ गए हैं ग्यू विलेज में, ये मोनेस्टी ग्यू की, और वहाँ पे वो मम्मी रखी हुई है जो 500 ईयर ओल्ड है। तो ये है भाई ग्यू विलेज, पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, इस बार कुछ थोड़ा चेंज वो ये है कि पहले हम यहाँ तक चले गए थे, लेकिन अभी ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बन रही हैं अभी, तो इसके नीचे उतर के यहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ तक चले गए थे पहले, अभी तो शायद कोई रास्ता है नहीं वहाँ पर जाने का, उधर से जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मम्मी के बारे में भी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो ये है 500 ईयर ओल्ड मम्मी, जिसके लिए ग्यू फेमस है,
और ये है मोनेस्टी। मोनेस्टी में अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जब हम पिछले साल आए थे तभी भी यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये बहुत अच्छे से इसको बना रहे हैं। क्योंकि सर्दियों में काम बंद हो जाता है, बर्फ़ की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो गर्मियों का टाइम मिलता है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो भाई पिछली बार ना ये सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी और हम ये जो मोनेस्टी है इसके ऊपर नहीं गए थे, तो अभी हम ना ऊपर जाके देखते हैं कि व्यू कैसा आता है। यहाँ पे आप दर्शन भी कर सकते हो, ये प्रॉपर ऊपर जाने के लिए ही सीढ़ी बनी हुई है। ये है व्यू, ये मोनेस्टी का ऊपर वाला भाग है। और यहाँ से दिखता है वो क्यों। भाई इसकी एक चीज़ खासियत और बता दूँ मैं आपको ग्यू विलेज की और ग्यू मोनेस्टी की, कि यहाँ पे ना चाइना बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास। तो अभी ना तकरीबन मान के चलो इंडिया में मेरे को पता ही नहीं है कि कितना टाइम हो रहा है, लेकिन साढ़े चार के आसपास हो रहे होंगे। लेकिन मेरी घड़ी में मैंने देखा, मैंने कहा मेरी घड़ी तो आराम चल रही, फिर मैंने इसमें देखा तो भाई अब टाइम देखो 7:52 हो रहे हैं, मतलब चाइना के टाइम के हिसाब से। तो ये ना चाइना का टाइम पकड़ रहा है। और इंडिया में अगर किसी की नॉर्मल एनालॉग वॉच होगी ना तो ही पता कर पाएंगे कि यार क्या टाइम हो रहा है, वरना ये तो भाई चाइना का ही टाइम पकड़ रहा है यहाँ से। तो ये देख सकते हो इंडिया में रहते रहते भी चाइना का टाइम पकड़ा जा रहा है, मतलब ये देखो चाइना के कितना करीब है कि टाइम भी है चाइना का। हाँ इसको क्रॉस करते ही है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है ना, ये तभी यहाँ पे आर्मी का। और ये जो एरिया है ना यहाँ पे कभी ड्रोन लेके उड़ाना मत, अगर आप तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाओगे तो शूट कर देंगे तुम्हारे ड्रोन, मतलब वो है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। पर अभी ये है मोनेस्ट्री पे काफी काम चल रहा है, थोड़े दिन में बड़ी बढ़िया हो जाएगी ना। To the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. तो भाई ऐसा है, हमारा जो डिसाइड हुआ है आज हम रुकेंगे ग्यू में। ग्यू में पिछली बार मेरा बड़ा मन था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर गांव है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होम स्टेज हैं, तो हमें एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और साफ़ सुथरा होम स्टे मिल गया। और हमने अपनी गाड़ी इस होम स्टे के बिल्कुल, इनका एक पार्क है जिसको बैकयार्ड बोलते हैं, इन्होंने अपने बैकयार्ड में हमने अपनी थार लगा दी है। ये वाला हमारा होम स्टे है और ये वाले हमारे दोनों कॉर्नर वाले रूम हैं। और पीछे से भाई व्यू देखो यार हम बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ से हैं भाई, दिल खुश हो गया। हाँ भाई शुभम कैसा लग रहा है? मस्त है जगह भाई साहब, एकदम नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, तुम यहाँ पे आके रहो तो तुम्हें 12 घंटे और 13 घंटे जितने भी तुम यहाँ पे रहोगे नो नेटवर्क है यहाँ पे, कोई भी नेटवर्क नहीं आता। तो बेस्ट फोन उठा के रख दो साइड में, कुछ नहीं करना, आराम से नेचर के नजारे लो भाई, सबसे बढ़िया। चोरी हो गया है? हाँ फोन सोच लो तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क आएंगे नहीं, कुछ कर नहीं सकते, ना सोशल मीडिया ना कुछ, तो तुम्हें मजा आने वाला है। और ये इतनी बढ़िया जगह देखो यार, पार्क, घास वाला, गाड़ी लगी हुई है भाई, पीछे से पहाड़ के नज़ारे, वहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है उन पहाड़ों पे, और ये हमारा होम स्टे। हाँ भाई हमारा होम स्टे जो हमने लिया है जिसमें हम रुक रहे हैं, बहुत प्यारा है, क्लीन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मतलब ये चीज़ लगती है मुझे होम स्टे ना, आग बंद करके ले लो हमेशा अच्छे मिलते हैं, सुंदर साफ सुथरा। ये है हमारा होम स्टे आज जहाँ हम रुकने वाले हैं, एंड एक रूम ये है नीट एंड क्लीन, एंड एक रूम है ये वाला, एक्चुअली ये वाला भी है बट हम साथ साथ वाला ही रूम ले रहे हैं, और एक रूम ये है, दिस इज़ आल्सो वेरी क्लीन। एंड यहाँ से थोड़ा बहुत व्यू आप एंजॉय कर सकते हो खिड़की के बाहर।
यहाँ से आपको गांव का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं इनके, आपको 800-900 रुपए पर पर्सन में डिनर एंड ब्रेकफास्ट और स्टे आपको मिलता है। बीच में आप चाय वाय छोटा मोटा आप ले सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं होते नॉर्मली। बाकी देखते हैं भाई साहब, घर हो गार्डन हो तो ऐसा, वरना रह नहीं पाता। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में हुई नहीं, मैं कहीं और ही। सही में यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को नहीं जाना वापस, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरे को तो नेटवर्क नेटवर्क कुछ नहीं चाहिए, पूरी दुनिया ऐसे सिख रहा हूँ, मैं तो अकेला बहुत हूँ यहाँ। पूरी दुनिया सब ऐसे सिख रहा हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे रह जाऊँ बस। रोटी खाने को मिल जाए, बुढ़ापा ढंग से कट जाए, मेरे ब्रूनो मैक्स मिल जाए मुझे। या बीमारी, हाँ ब्रूनो मैक्स तो चाहिए, लेकिन बिना बीमारी के यहाँ पे कोई झंझट है ना, मुझे अपना आराम से मौज मारे भाई साहब, सांस तक नहीं फूल रही। जबकि कितना एल्टीट्यूड है, जबकि हम चाइना के दौर है, हमारा चाइना का फोन पकड़ रहा है टाइम, देखो क्या टाइम हो रहा है, 8:30 8:30 हो रहे हैं, 8:33 हो रहे हैं। लैंडस्केप में क्या कर रहे हो? अब हो रहे हैं 7:30 और हम खेल रहे हैं मोनोपोली। है भाई मजा आ रहा है? बात ही मिल जाते हैं, ये रोड बंद नहीं होते और ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कंटिन्यू इसमें कोयला लकड़ी जाते हैं, हम लकड़ी से सर्दियों में 20-30 क्विंटल जलाते हैं, अच्छा 20-30 क्विंटल जलाते हैं, इसमें धुआं नहीं होता होगा ना? धुआं नहीं होता है, ओपन ही निकलता है, चिमनी जैसा।